टुडेज टॉपिक इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने तीन पार्ट्स में पढ़ लिया था। एक वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, जिसमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है कि हम स्कैटरिंग से रिजल्ट निकालेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं अपना कोई मटेरियल ले लूँ, सोचो कि चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो, ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में देख ही चुके हैं, ठीक है। अगर सोचो इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी H0 की रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है, ओके, चाहे वो यूवी हो, चाहे विजिबल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यूवी विजिबल पड़ रही है इसके ऊपर और ये इस लिक्विड के ऊपर पड़ रही है। तो इस लिक्विड ने आपका जो स्कैटरिंग निकालेगी वो तीन फ्रीक्वेंसीज की निकालेगी, या जो लाइन स्पेक्ट्रा निकालेगी वो डिफरेंट थ्री होगा। एक कहेगा कि मैं एनर्जी बढ़ के जाऊंगा, एक कहेगा मैं एनर्जी घट के जाऊंगा और एक ओरिजिनल निकलेगा। जो ओरिजिनल निकलेगा वो क्या होगा, रेलिंग स्कैटरिंग होगा। या तो अगर मैं कहूँ कि ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में एक स्ट्रोक्स देगा, एक एंटी स्ट्रोक देगा, ठीक है। अब ये मैं अगर कहूँ कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, अच्छा, तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये कहेगा कि दिस इज अ इनकोहरेंट स्कैटरिंग, ओके, इट इज अ इनकोहरेंट स्कैटरिंग। सेकेंड पॉइंट ये क्या है, जो इसके जो स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स, जो इंक्रीज एनर्जी देते हैं वो स्ट्रोक्स देते हैं, जो इंक्रीज एनर्जी देते हैं वो स्ट्रोक्स देते हैं, स्ट्रोक्स लाइन्स को देते हैं। ये भी स्कैटरिंग फेनोमिना पर ही है। जो डिक्रीज एनर्जी होता है वो क्या देता है, एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स, ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखें इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। अब जो स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स निकल कर बेटा वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके लीनियरली पोलराइज्ड लाइन्स, ठीक है। और तीसरा यहां पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ये तीन इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं किसी भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब हम लोग और बात के स्पेसिंग वगैरह लाइंस के बीच में पढ़ेंगे, कंफर्म्ड है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम लोग उतना ही देखेंगे जितना कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, बिकॉज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को मटेरियल साइंस और केमिकल साइंसेस इसको और भी ब्रॉड एरिया में पढ़ते हैं, बट हम लोग अपने फिजिकल साइंस में उतना ही देखेंगे जितना हम लोगों को जरूरत है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द मटेरियल साइंस और केमिकल साइंसेस। हम लोग उतना ही देखेंगे जितना कि हमारे फिजिक्स जैनजेस में TFIR में काम है, ओके। अब हम जब कह रहे हैं कि दैट इज अ इनइलास्टिक स्कैटरिंग, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है। जब ये कंजर्व नहीं है वाला तो वो क्या होगा, एक एनर्जी इंक्रीज देगा, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड फॉर्म में देगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, और एक नेगेटिव होगा जो कि डेल्टा ई, मतलब कि डिक्रीज एनर्जी में फॉर्म में आएगा। जब ये डिक्रीज एनर्जी के फॉर्म में आएगा तो एंटी स्ट्रोक देगा, और जब इंक्रीज एनर्जी के फॉर्म में जाएगा तब वो क्या देगा, स्टोक्स लाइन्स देगा, और ये क्या देगा, एंटी स्टोक्स लाइन्स, ठीक है। तो ये कौन से फेनोमेनन करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, एमिशन होगा, ठीक है। एक में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक में क्या होगा, और क्या होगा, एमिशन होगा। अब चलो इसको थोड़ा सा और क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी होगी, और साथ में जो रेडिएशन पड़ रहा है और साथ में जो स्कैटर्ड हो रहा है उसका कैसे समेशन करके हमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स की फ्रिक्वेंसी मिल रही है, ओके। नेक्स्ट सी नाउ सी, अगर सोचो कि हम लोग का क्वांटम थ्योरी से इसको प्रूव करना चाहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑन रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। जब हम क्वांटम थ्योरी इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो देखो, पहले ही हमने कह दिया है कि जब स्कैटरिंग फेनोमिना होता है तो ये दो चीज़ों को बोलता है कि
अगर मैं इलास्टिक स्कैटरिंग कर रहा हूँ, इलास्टिक स्कैटरिंग कर रहा हूँ, when I am performing elastic scattering, then my delta kinetic energy is conserved and is equal to zero. But when I am doing a inelastic scattering, when I am performing a inelastic scattering, तो इसका मतलब क्या है कि delta kinetic energy is not equal to zero. जब delta kinetic energy not equal to zero, तो एक बार क्या होगा? Energy increased. याद रखना, जब energy increase हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि ये absorption spectra को दिखाएगा. इसका मतलब है कि डेल्टा ev प्लस में होगा, साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी भी होगी, वो डेल्टा म्यू में, वो भी पॉजिटिव में होगी. लेकिन अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्या एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जब ये एनर्जी डिक्रीज होगी, तब क्या हो जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रा देगा. ठीक है. अब जब एमिशन स्पेक्ट्रा देगा, तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, साथ में मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही है. जब मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज हो, तो ये क्या देगा? एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स देगा. लेकिन ये क्या देगा? ये देगा हमारा स्टोक्स लाइन. तो अब अगर मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में इसको हम देखना चाहें, अगर मैं मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में इसको देखना चाहूँ, तो मैं कहूंगी क्या कि ये अगर एक मॉलिक्यूल है, ये मैं स्ट्रोक्स के लिए समझा रही हूँ, ठीक है, ये मैं स्ट्रोक्स लाइन के लिए समझा रही हूँ, कि अगर ये मॉलिक्यूल है, इसके पास खुद का एच न्यू एम है, क्योंकि ये प्लस एनर्जी के साथ भी आ रहा है, प्लस एनर्जी के, यहाँ पर रेडिएशन जो पड़ रही है वो कौन सी? एच न्यू नॉट की पड़ रही है, और यहाँ से जो निकल रही है वो स्टोक्स लाइन निकल रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि एच न्यू नॉट जो होगा, एच न्यू एम प्लस स्टोक्स लाइन के साथ होगा. तो दिस इम्प्लॉयज दैट जो स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या हो जाएगी? एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू एम हो जाएगी. यानी एच यहाँ से कॉमन लो कट गया, तो इसका मतलब जो स्ट्रोक्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? न्यू नॉट माइनस न्यू एम. ठीक है. लेकिन अब इधर आ जाओ, एंटी स्ट्रोक के पास आ जाओ. एंटी स्ट्रोक की मॉलिक्यूल कह रही है कि मैं डिक्रीज इन एनर्जी होगा, साथ में मेरी जो एच न्यू एम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर एच न्यू नॉट पड़ रही है, और यहाँ से अगर एंटी स्ट्रोक निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों माइनस हो जाएगा. दोनों जब माइनस हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी? दोनों को माइनस साइन के साथ लिखूंगी ना, दोनों को माइनस साइन के साथ लिखूंगी. तो इसका मतलब ये कहेंगे हम लोग, कि माइनस एच न्यू एम निकलेगा हमारे इक्वेशन में. सो इज दिस विजिबल? और मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखती हूँ, क्या कहेगा? एंटी स्टोक्स के लिए. ठीक है, ये इसके लिए है. एंटी स्टोक्स कहेगा कि एच न्यू नॉट जो मेरे ऊपर पड़ा है, माई एच न्यू एम साथ में एंटी स्टोक्स निकालूंगा. दिस इंप्लॉयज दैट एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू एम इज इक्वल टू एच न्यू ए एस. ठीक है. सो मेरा जो एक्सप्रेशन हुआ एंटी स्टोक्स का, वो क्या हो गया? एंटी स्टोक्स. इसीलिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि माइनस लिखूं या प्लस लिखूं, माइनस लिखूं या प्लस लिखूं. इसमें कंफ्यूजन ही दूर है. क्या कि न्यू नॉट में प्लस इधर से नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाता है, और ये एंटी स्टोक्स की लाइन निकलती है. दीज टू इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक ये और ये. ठीक है. ये क्या है? स्टोक्स और एंटी स्टोक्स की प्रॉब्लम जो सॉल्व थी हमारी, वो सॉल्व हो गई. अब इसको स्पेक्ट्रा के फॉर्म में देखते हैं कि हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आप लोगों की जो क्वेरीज थी अबाउट दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे बात के लिए, और आप लोग ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस में है, उन सब के लिए जो क्वेरीज थी कि कैसे हम लोग, मे बी सम ऑफ माई यूट्यूब फ्रेंड्स ऑल्सो दे आर सेइंग कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टर्म हम लोग डिराइव कर रहे हैं रोटेशनल, प्योर रोटेशनल रमन के लिए, वो डिराइव करवा दो फिर से. सो फाइन, गिविंग द हेडिंग ऑफ अगेन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें मैं बताऊँ ही नहीं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है.
मैं आपको सिर्फ इसमें से क्या करूँगी, मैं इसमें से करूँगी कि आप लोग को प्योर रमन रोटेशनल रोटेशनल नाइन्स, ठीक है, प्योर रमन रोटेशनल नाइन्स। अब देखो प्योर रमन रोटेशनल लाइंस के लिए हम क्या कहते हैं, रोटेशनल जब हो रहा था, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि हम लोग एफ ऑफ जे निकाल रहे हैं, और एफ ऑफ जे क्या हो रहा था, बी जे ऑफ जे प्लस वन, ये टर्म निकल रहा था जहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म था, और ये कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आ रही थी, ये कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू आ रही थी एच अपॉन एट बाई स्क्वायर आई सी आर, ठीक है, आई सी आर थी, जहाँ पर ये क्या था हमारा म्यू आर स्क्वायर, क्यों म्यू, म्यू है हमारा रिड्यूस मास, रिड्यूस मास, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिड्यूस मास, और ये रिड्यूस मास हम कह रहे थे कि दो अगर रोटेशन कर रहे हैं अपने एक्सिस पर अलॉन्ग, ठीक है, एक एम वन है एक एम टू है, ठीक है, और ये यहाँ पर रोटेशन कर रहे हैं, ये इनकी एक्सिस है, तो इसका रिड्यूस मास म्यू जो होगा वो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, एम वन प्लस एम टू, किसी को कोई दिक्कत है, नो राइट। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे बोलेंगे, और याद रख सकते हैं कि अगर मैं इसी से बोलूँ कि ई ऑफ जे क्या है, ई ऑफ जे क्या है, तो बी एच सी हो जाएगा, बी एच सी जे जे प्लस वन, जे जे प्लस वन, ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन होल में, और अगर ये डिवाइड में चला जाए तो वो आपका हो जाएगा एफ ऑफ जे, और यही हो जाएगा आपका क्या, फिर आपका पर सेंटीमीटर में आ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने आपको बोला था कि रमन स्पेक्ट्रा अगर पाना है, रमन स्पेक्ट्रा अगर पाना है तो हमारे पास सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा जे प्लस माइनस टू होगा, ठीक है, डेल्टा जे प्लस माइनस टू होगा, साथ में जीरो होगा, ठीक है, जीरो कहेगा रेले रेले, ठीक है, रेलिंग लाइन को निकालेगा, लेकिन प्लस माइनस टू की दो चीजों को निकालेगा, एक बार प्लस टू होगा एक बार माइनस टू होगा, एक बार अगर जे इजिकल टू प्लस टू है तो वो कहेगा क्या कि हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और हम जब एब्जॉर्प्शन करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, स्टोक्स निकालेंगे, हम क्या करेंगे एब्जॉर्प्शन लाइंस निकालेंगे, और हम क्या करेंगे स्टोक्स लाइंस, स्टोक्स लाइंस होगा, स्टोक्स लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरा डेल्टा जे इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, हम कहेंगे एमिशन, हम कहेंगे हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा निकल रहा है, और ये क्या देगा एंटी स्टोक्स देगा, एंटी स्टोक्स देगा, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है, एंटी स्टोक्स लाइन्स देंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई जब ये हो गया तो एक एक करके निकालेंगे, तो स्टोक्स के लिए क्या निकालना है, सोचो सबसे पहले हम स्टोक्स लाइन्स निकालेंगे, स्टोक्स लाइन्स निकालने के लिए एफ ऑफ जे निकालेंगे, या हम टोटली एक्चुअली निकालना क्या चाह रहे हैं, म्यू बार निकालना चाह रहे हैं, हम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, स्टोक्स के लिए, और हम ये ऑलरेडी कल दिखा चुके थे कि ये माइनस हो जाएगा, माइनस इन द सेंस व्हाट, जो म्यू एस होगा वो म्यू नॉट माइनस क्या हो जाएगा म्यू एन, ठीक है, ये कल हम लोगों ने निकाल चुका है, ठीक, कल हम लोगों ने निकाल चुका है। इसके लिए हम स्टोक्स लाइन्स निकालते हैं, पहली बात तो ये है कि हम स्टोक्स लाइन्स के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम कहेंगे कि मेरा डेल्टा जो जो है वो प्लस टू होगा, प्लस टू होगा, राइट, डेल्टा जे जो है वो हमारा प्लस टू होगा। अब जब डेल्टा जे प्लस टू होगा तो सोचो कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरे पास दो एनर्जी लेवल है, एक जे डबल डैश है और एक जे डैश, ठीक है, तो अगर मैं ई ऑफ या एफ ऑफ जे डैश निकालूं तो ये क्या हो जाएगा b टाइम्स j डैश j प्लस वन हो जाएगा, और f ऑफ j डबल डैश के लिए क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ j डबल डैश के लिए हो जाएगा b ऑफ j डबल डैश प्लस वन। तो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ j डैश माइनस f ऑफ j डबल डैश क्या होगा, क्या होगा, जो कि मेरा क्या होगा न्यू बार। दूसरी चीज मैं क्या निकालूंगी, मैं ये कहूंगी कि j डैश माइनस j डबल डैश इज इक्वल टू प्लस टू, तो इसमें हम ये पुट कर सकते हैं ना, इसमें हम ये पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा डेल्टा j जो है वो प्लस टू है, किसके लिए स्टोक्स के, राइट, इतना सबको क्लियर है, इतना आप सभी को क्लियर है, राइट, इतना सब आपको क्लियर है, आप लोगों को भी क्लियर है, राइट, सो चलो आगे बढ़ते हैं।
Now what we want to do is, अब हम लोग इसके टर्म्स निकालते हैं, अब हम लोग इसके क्या निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे। तो पहले हम स्टोक्स लाइन्स के लिए निकालते हैं। स्टोक्स लाइन्स, स्टोक्स लाइन्स क्या कहेंगे बेटा, स्टोक्स लाइन्स कहेंगे कि अगर ये जे है और ये जे डबल डैश है, जे डैश है, ठीक है, तो स्टोक्स क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा तो हम एफ ऑफ जे डैश माइनस एफ ऑफ जे डबल डैश निकालेंगे, एफ ऑफ जे डैश माइनस एफ ऑफ जे डैश डबल डैश निकालेंगे। आप लोगों को दिक्कत इसी वजह से हो रही थी, ठीक है। तो डेल्टा जे क्या कहेगा, डेल्टा जे कहेगा प्लस टू होगा, इसका मतलब एफ ऑफ जे डैश माइनस एफ ऑफ जे डबल डैश इज इक्वल टू प्लस टू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट, ये कहना चाह रहा है कि कहना ये चाह रहा है कि j डैश माइनस j डबल डैश इज इक्वल टू प्लस टू। दिस इंप्लाइज दैट j डैश इज इक्वल टू, j डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका j डबल डैश प्लस टू, j डबल डैश प्लस टू। कभी भी f ऑफ j मत लिखना, अगर मैंने प्रीवियसली कहीं पे लिखा है बट इट्स बाय मिस्टेक, ओके फाइन। तो f ऑफ j निकालते हैं, तो f ऑफ j डैश माइनस f ऑफ j डबल डैश इज इक्वल टू जो हमें स्ट्रोक्स की निकालनी है, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, न्यू बार जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर पहली बात तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो b टाइम्स j डैश प्लस वन माइनस b टाइम्स ऑफ j डबल डैश प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b तो कॉमन ले लो, ठीक है। अब जहाँ पर j डैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, j डबल डैश बाई टू, j डबल डैश प्लस टू और j डबल डैश प्लस टू प्लस वन माइनस ऑफ j डबल डैश प्लस वन, ठीक है। से फॉर्म चला गया, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, बताओ भाई, एक में सॉल्व कर देंगे, दूसरा आपको सॉल्व करना, क्या करेंगे हम लोग, j डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये तो क्या आ गया, थ्री आ गया, ठीक। तो j डबल डैश का स्क्वायर आ जाएगा प्लस थ्री j डबल डैश आ जाएगा प्लस टू j डबल डैश आ जाएगा प्लस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर j डबल डैश का स्क्वायर आ जाएगा माइनस j डबल डैश आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, b टाइम्स ऑफ, एक है दो पाँच है और इसमें से एक जाएगा तो चार, फोर डबल j डबल डैश, फोर j डबल डैश और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, b और मल्टीप्लाई फोर कर लो तो यहाँ पे 2j डबल डैश प्लस 3 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4b 1 प्लस 3 बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब j डबल डैश प्लस 3 बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस 3 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, 3 बाई 2 लिख सकते हैं, 4b टाइम्स 3 बाई 2, ठीक है। ये तुम्हारा न्यू बार जो आया वो किसके लिए आया, स्ट्रोक्स लाइन्स के लिए आया, याद रखो। अब हमें क्या करना है, एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स करनी है, एंटी स्टोक्स लाइन्स, एंटी स्टोक्स लाइन बेटा किसके लिए देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए देते हैं। जब ये एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए देंगे और ये कह रहा है कि डेल्टा जे मेरा क्या होना चाहिए, माइनस टू, इसका मतलब यहाँ पर जे डबल डैश माइनस जे डैश इक्वल टू माइनस टू आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पर लेवल्स वही रहेंगे पर एक देगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक देगा एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कि जे डैश जो हो जाएगा वो इधर आ जाएगा, तो j डबल डैश प्लस 2 का आ जाएगा, j डबल डैश प्लस 2 का आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बड़ी सारी चीजें पुट करनी है, तो अब हम क्या निकालेंगे, जो मेरा न्यू बार होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ j डबल डैश माइनस f ऑफ j डैश, ठीक है। न्यू बार एंटी स्टोक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, Anybody? अब इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, b of j डबल डैश प्लस वन माइनस b of j डैश प्लस वन, यही तो था। तो हम क्या करेंगे, b तो कॉमन ले लो, j डबल डैश, यहाँ पर j डैश का रिलेशनशिप है तो ये ऐसे लिख दो, j डबल डैश प्लस वन माइनस b of j डैश बोल रहा है तो j डबल डैश प्लस टू है, प्लस टू है, सॉरी थोड़ी धीरे धीरे बाहर चला चुका है, और ये भी ऐसा है, जे डबल डैश प्लस टू प्लस वन, ये क्या आ गया, थ्री आ गया, सॉरी
भी कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, जे डबल डैश का स्क्वायर प्लस जे डबल डैश माइनस, सारी चीजें माइनस में आएंगी ये याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा जे डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर थ्री जे डबल डैश माइनस में आएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस में आ जाएगा माइनस टू जे डबल डैश और फिर से माइनस आएगा जो कि माइनस सिक्स होगा। एनीबडी एनी कंफ्यूजन, नो, ये कर दिया और ये कर दिया, अब यहाँ पर देखो क्या बचा, प्लस बचा माइनस बचा, तो माइनस फोर जे डबल डैश बी इज इक्वल टू माइनस फोर जे डबल डैश माइनस सिक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, माइनस फोर बी जे डबल डैश, ठीक है, अब मुझे बताओ प्लस क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, प्लस थ्री आ जाएगा, प्लस थ्री बाई टू आ जाएगा ना, तो मेरे पास किसके लिए आया, ये आया एंटी स्टोक्स के लिए, एंटी स्टोक्स के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एब्जॉर्प्शन ले रहा था एक एमिशन ले रहा था, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे कोई रमन स्पेक्ट्रा देखना है, अगर मुझे कोई रमन स्पेक्ट्रा देखना है तो मेरा युगपथ क्या होना चाहिए, अगर मुझे कोई रमन स्पेक्ट्रा देखनी है, रमन स्पेक्ट्रा देखनी है तो मुझे ये कहना पड़ेगा, मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरा डेल्टा जो सिलेक्शन रूल है वो प्लस माइनस टू और जीरो होगा, दूसरी चीज मेरा जो न्यू बार होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक बोलेगा कि प्लस फोर बी जे प्लस थ्री बाई टू और एक कहेगा माइनस फोर बी जे जे माइनस फोर बी जे प्लस थ्री बाई टू, ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, देयर इज नो कंफ्यूजन, प्लस माइनस का अंतर रहेगा। अब हम चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइन से इसको शो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, हमने किया कि पहले तो स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ किया, अब मैंने देखो एरोस का एक को ऊपर रखा एक को नीचे रखा, व्हाई, बिकॉज़ ये कहेंगे स्टोक्स लाइंस को, ये कहेंगे स्टोक्स लाइन को, क्यों स्टोक्स लाइन को, क्योंकि स्टोक्स लाइन बेटा बार बार कह रही हूँ एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इसका मतलब क्या, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस टू देगा, मतलब हर एक में प्लस टू का अंतर होगा, ये क्या है, ये है हमारे एंटी स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस, अब एंटी स्टोक्स लाइंस है तो इसका मतलब क्या होगा, एमिशन देगा, जब एमिशन देगा तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस टू होगा, ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा था, म्यू एस स्टोक्स के लिए था कि प्लस फोर बी जे प्लस थ्री बाई टू और एंटी स्टोक्स के लिए क्या था, माइनस फोर बी जे प्लस थ्री बाई टू, मतलब देखो अंतर किसका है, 4b का अंतर है, एक प्लस में जा रहा है एक माइनस में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के लेवल में हमेशा देखो हमने दो दो का एनर्जी लेवल का गैप लेंगे ना, तो इसके इसके में प्लस 4b का होगा, फिर इसके इसके में क्या देगा 10b का होगा, इसके इसके में क्या देगा, ये किसका दे रहा है, इसका दे रहा है, ये क्या देगा 14b का देगा, ये क्या देगा 14 प्लस 4 करेंगे 18b का देगा, ठीक है, ऐसे ही ऊपर चलता जाएगा, लेकिन ये क्या देगा बेटा, ये देगा आपका 60, ठीक है, माइनस 6b का देगा, ठीक है, ये क्या देगा आपका, ये क्या देगा, ये देगा माइनस 10b का, ये क्या देगा माइनस 14b का, ये क्या देगा माइनस 18b का, समझ में आ रहा है, ये आपका एंटायर एमिशन स्पेक्ट्रा दे रहा है, ये आपका एंटायर क्या दे रहा है, एब्जॉर्प्शन दे रहा है, ये रमन स्पेक्ट्रा का प्योर रोटेशनल लेवल्स है, रमन स्पेक्ट्रा का रोटेशनल लेवल्स है। अब कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारी चीजें आपको बता दी, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बता दो बस। अब देखो ये तो क्लियर हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, लेकिन क्या मुझे कोई ये बता सकता है, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि एक सेकंड प्लस फोर के जगह यहाँ पे लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, सो अब मुझे ये बताओ कि ये लोग तो सारी चीजें हो गई लेकिन एक स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक, ठीक है, इसके बाद तो ये सारे के सारे इसके स्ट्रोक्स के बैंड्स होंगे और इधर एंटी स्ट्रोक्स के बैंड्स होंगे, ठीक है, इधर ये सारे बैंड्स किसके हैं, एंटी स्ट्रोक्स के, एंटी स्ट्रोक्स के बैंड हैं और ये बैंड क्या रहे हैं, ये सारे स्ट्रोक्स के बैंड हैं, ठीक है, ये सारे स्ट्रोक्स के बैंड हैं, तो इसके दोनों में तो हमें पता चल गया कि 4b ये भी 4b तो इक्वल स्पेसिंग हो रही है प्लस 4b, याद रखना ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, तो माइनस फोर बी माइनस फोर बी माइनस फोर बी, मतलब याद रखना माइनस प्लस तो कुछ
उसमें मेन है कि 4B का हमें गैपिंग मिल रही है और इक्वी स्पेस होती है, लेकिन एक इन दोनों के बीच में जो सेंटर से हम इन दोनों के बीच में ले रहे हैं, एक 6B का दे रहा है, दूसरा भी 6B का दे रहा है, इसका मतलब कितना हुआ, 12B का गैप हुआ, 12B का गैप हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन में घुमा के पूछता है, इधर से उधर से कहीं से भी आपसे पूछ सकता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्या फंडा चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मुझे बताओ, जब एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि बाय, ये तो रोटेशनल का पूरा डिस्कशन हो गया, हम कह रहे हैं एक्टिविटी ऑफ रमन वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स। अब बात ये क्या आई, जब ये आ रहा है वाइब्रेशन से हम लोग कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है चलो भैया, वाइब्रेशन में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसकी होती है, IR रीजन की होती है, IR रीजन की होती है। जब ये IR रीजन की होती है, जब हम सिंपली वाइब्रेशन पढ़ते, तो हमने इसमें कहा था आपको कि हमारा परमानेंट डाइपोल होना जरूरी है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने याद करो आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की पहली क्लास में आपको ये कहा था कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है हमें इनकोहरेंट, ठीक है, लेकिन जो लाइंस निकलती हैं वो लीनियरली पोलराइज होती है। तो लाइंस जब लीनियरली पोलराइज होगा तो ये किसके वजह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वाइब्रेशनल मोड्स होंगे वो टोटली क्या होंगे, पोलराइजेशन की वजह से, बट जो नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स होंगे वो किसके वजह से देगा हमें, वो हमें देगा IR रीजन की वजह से या परमानेंट डाइपोल के वजह से। ठीक है ओके, चलो इसको अच्छे से काटते हैं। अब हम कहेंगे कि एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स, ये बहुत ये आपके मुझे नहीं लगता कि जैम में मैं पूछता है, मतलब जैम में इतना एटॉमिक बिल्कुल भी नहीं आता डीपली। ठीक है, ये आपके CSIR नेट में बहुत हो सकता है, CSIR नेट में बोलो या गेम में MCQs के फॉर्म में बोलो। अब वाइब्रेशनल मोड्स में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक रमन एक्टिव, एक पढ़ेंगे रमन एक्टिव, रमन एक्टिव, और एक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो वाइब्रेशनल मोड्स में एक्टिव है, मतलब वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल मोड्स में एक्टिव, मतलब किसमें एक्टिव है, IR रीजन में एक्टिव है, IR रीजन में एक्टिव। जब ये IR रीजन में एक्टिव है तो ये डायरेक्टली बोल रहा है कि हम परमानेंट, परमानेंट डाइपोल्स के वजह से, डाइपोल्स अराइजेस ले तो सीधे यहाँ पे अराइजेस ड्यू टू परमानेंट डाइपोल्स। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, अराइजेस ड्यू टू पोलराइजेशन, अराइजेस ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको दो एग्जांपल बोलूंगी, अब मैं आपको दो एग्जांपल बोलूंगी कि एक तो मैं AB2 टाइप के एटम्स के बारे में बोलूंगी और दूसरा मैं किसके एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलूंगी कि अगर मेरे पास ट्राई एटम है। अब देखो, अगर मेरे पास कोई AB2 किस्म का मॉलिक्यूल है, हो सकता है कि इसके पास सिमेट्री हो, और एक हो सकता है कि ये मतलब एक कह सकते हैं कि हमारे पास लीनियरिटी है, लीनियर सिमेट्री है, और एक हम कहेंगे कि हमारे पास कोई लीनियर सिमेट्री नॉन लीनियर। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ ये मॉलिक्यूल कहेगा कि मैं क्या हूँ, लीनियर हूँ, और ये मॉलिक्यूल कहेगा कि मैं लीनियर नहीं हूँ, नॉन लीनियर हूँ। ओके, दैट अब नॉन लीनियर के लिए हमेशा याद रखना H2 इज द बेस्ट एग्जाम्पल। पर जब मैं लीनियरिटी की बात करती हूँ तो बच्चे हमेशा कहते हैं कि NO2, क्योंकि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आप क्या कह रहे हो, CO2 और NO2, लेकिन याद करना ये दोनों सेम नहीं है बेटा, ये दोनों अलग है। कैसे अलग है, इनके लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से, इनके लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम कहेंगे अगर इस ये लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो याद रखो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक कहेगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बोलोगे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है,
लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, जैसे कि सोचो कि हम यहाँ पर हम सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री का CO2 का, और यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं NO2 का, ठीक है। CO2 में कहेगा, CO2 में कहूँगी कि ये बीच में C बैठा हुआ है, यहाँ पर O है और यहाँ पर O है, यहाँ पर वो अपने शेयरिंग्स कर रहे हैं, किसके शेयरिंग्स कर रहे हैं, अपने बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ये NO2 की बात आती है तो NO2 क्या करता है, NO2 की बात जब आती है तो एक तरफ तो वो कहेगा कि मैं छोटे के साथ हूँ, लेकिन एक तरफ कहेगा कि मैं बड़ों के साथ हूँ, ठीक है, उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो ये NO2 क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, जब उसमें ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब लाइन ऑफ सिमेट्री की बात चल रही है तो एक अब जब सिमेट्री की बात चल रही है तो हम इसको छोड़ो, अब इस पे कंसंट्रेट करो। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास स्ट्रेचिंग हो सकती है, हमारे पास स्ट्रेचिंग सिमेट्री हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग, आप लोग देखते भी हो कि हम लोग हाइपोकॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ले जाके क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो फॉर दैट रीजन हम लोग इसको लेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल्स को लेंगे और उसमें देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि वो किस तरफ सिचुएशन में रहेगा और वो कैसे देगा कि वो रमन एक्टिव है या वो वाइब्रेशनल एक्टिव है। ओके, कैसे एक्टिव है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप लोगों को याद रहेगा, बस इतना ही सफिशियंट है। फिजिक्स के पेपर में चाहे नेट हो, गेट हो, एग्जाम में बहुत रेयर गेट में पूछता है, इतना नहीं पूछता एग्जाम में, बट नेट गेट में पूछता है, जेस्ट में पूछता है, टीएफआईआर में पूछता है, टीएफआईआर में पूछता है आइटम बहुत अच्छे से, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बस इतना याद कर लो कि अगर मैं CO2 की सभी मॉलिक्यूल देती हूँ और हमारे एटॉमिक पोजीशंस क्या है, स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक है या बेंडिंग है या स्ट्रेचिंग एंटी सिमेट्रिक है, कब रमन एक्टिव होगा और कब आयर एक्टिव होगा। आयर एक्टिव मतलब जो नॉर्मल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ते हैं वो एक्टिव होगा। सिमिलरली लेकिन देखो H2O मॉलिक्यूल जो कि लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो देखो ये रमन एक्टिव और आयर एक्टिव कैसे होगा, सब में होगा, तो इसके लिए तो उतना कारण नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत कारण है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जो ये पूरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, हम लोग दो दिन इसी पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे CSIR NET JSTOR सब में कैसे आते हैं। ओके, सो और बाकी सारी चीज़ें आप लोग को जो हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, स्टे कनेक्टेड विद अस, और हमारे वेबसाइट को लॉग इन करो और अपनी जो भी क्वेरीज है आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे आपको सारे कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स एवरीथिंग यू विल गेट। सो थैंक यू एंड स्टे वेल।